दोस्तों भारत और वेस्टइंडीज के बीच में पहला वनडे मैच थोड़ी ही देर में शुरू होने वाला है। तो दोस्तों भारत और वेस्टइंडीज के बीच में पहला वनडे मैच कब खेला जाएगा, कितने बजे खेला जाएगा और पहले वनडे मैच के लिए दोनों टीमों की प्लेइंग 11 क्या रहने वाली है, उसकी जानकारी आपको हम इस वीडियो में देने वाले हैं। लेकिन इसके लिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और आप भी टीम इंडिया को सबसे बेस्ट टीम मानते हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। तो चलिए दोस्तों बिना वक्त गवाए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों भारत और वेस्टइंडीज के बीच में पहला वनडे मैच 1 जुलाई को खेला जाएगा। फिलहाल भारत और वेस्टइंडीज की दोनों टीमें वेस्टइंडीज के गुयाना स्टेडियम में मौजूद है। भारत और वेस्टइंडीज के बीच में सीरीज का पहला वनडे मैच होने वाला है। टीम इंडिया के कप्तान हार्दिक पांड्या ने अपनी प्लेइंग 11 में खतरनाक 11 फुकट शेरों को शामिल किया है। वही वेस्टइंडीज की टीम में भी शानदार खिलाड़ियों की वापसी हुई है। भारत और वेस्टइंडीज के बीच में सीरीज का पहला वनडे मैच वेस्टइंडीज के गुयाना स्टेडियम में होने वाला है। ये मुकाबला शाम को 7:30 पे खेला जाएगा। 7 बजे इस मुकाबले के लिए टॉस होने वाला है। तो दोस्तों अब बात करते हैं पिच रिपोर्ट के बारे में। तो गुयाना स्टेडियम की पिच पर पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम फायदे में रहने वाली है और दूसरी पारी में पिच के ऊपर स्पिनर गेंदबाजों को मदद मिलने की उम्मीद है और जो भी टीम टॉस जीतेगी वो पहले बैटिंग करना पसंद करेगी। हालांकि दूसरी पारी में बैटिंग की खास भूमिका नहीं रहने वाली। गुयाना स्टेडियम में दोनों टीमें 20 बार आमने सामने हुई है, जहाँ पहले बैटिंग करने वाली टीम को 15 मैचों में जीत मिली है, वही चेंज करने वाली टीम को 5 मैचों में जीत मिली है। गुयाना स्टेडियम की पहली पारी का औसतन स्कोर 280 रन है। दोस्तों बात करते हैं वेदर रिपोर्ट के बारे में। तो भारत और वेस्टइंडीज के बीच में होने वाले पहले वनडे मैच के दिन गुयाना का तापमान 22 से 31 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है और आसमान पूरी तरह से साफ रहने वाला है, इसलिए मैच वाले दिन बारिश की चांसेस ना के बराबर है। ऐसे में पूरे 50 ओवर का खेल देखने को मिल सकता है और उमस 20% रहने का अनुमान है। वही हवा की गति 4 किलोमीटर प्रति घंटा रहने का अनुमान लगाया गया है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं भारत और वेस्टइंडीज के बीच में हेड टू हेड रिकॉर्ड क्या है। तो भारत और वेस्टइंडीज के दोनों टीमें वनडे मैच में ऑल ओवर 20 बार आमने सामने हुई है। इस दौरान भारतीय टीम ने 15 मैचों में जीत हासिल की है और वेस्टइंडीज की टीम ने 5 मैचों में भारत को हराया है। ऐसे में देखा जाए तो आमतौर पर भारत का पकड़ा वेस्टइंडीज के ऊपर काफी ज्यादा भारी नजर आ रहा है। तो चलिए दोस्तों एक बार जान लेते हैं कि आज के मैच के लिए दोनों टीमों की प्लेइंग 11 क्या रहने वाली है। तो दोस्तों टीम इंडिया में नंबर 1 पर शुभमन गिल खेलते हुए नजर आएंगे। शुभमन गिल एक शानदार बल्लेबाजी करते हुए नजर आएंगे। नंबर 2 पर ऋतुराज गायकवाड़ खेलते हुए नजर आएंगे। ऋतुराज गायकवाड़ ने आईपीएल 2023 में शानदार बल्लेबाजी की थी, इसके चलते हार्दिक पांड्या ने इनको भी अपनी टीम में लिया है। नंबर 3 पर ईशान किशन खेलते हुए नजर आएंगे। ईशान किशन एक शानदार बल्लेबाज है और लेफ्ट हैंडिंग बल्लेबाजी करते हैं, तो इनको भी टीम में लिया है। नंबर 4 पर हार्दिक पांड्या खेलते हुए नजर आएंगे, जो कि कप्तानी की भूमिका निभाएंगे और ऑलराउंडर की भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे। नंबर 5 पर रविंद्र जाडेजा खेलते हुए नजर आएंगे। रविंद्र जाडेजा स्पिनर गेंदबाजी से और जाने जाते हैं और अच्छी तरीके से बल्लेबाजी करते हुए नजर आएंगे। नंबर 6 पर रिंकू सिंह खेलते हुए नजर आएंगे। दोस्तों रिंकू सिंह ने 2023 की आईपीएल में शानदार बल्लेबाजी की थी, एक मैच में तो उन्होंने 5 छक्के लगाकर अपनी मैच को जिताया था। नंबर 7 पर यशस्वी जायसवाल खेलते हुए नजर आएंगे। यशस्वी जायसवाल राजस्थान की टीम में शानदार बल्लेबाजी की थी 2023 की आईपीएल में और आज के मुकाबले में भी खेलते हुए नजर आएंगे। नंबर 8 पर अक्षर पटेल खेलते हुए नजर आएंगे। अक्षर पटेल अपनी स्पिनर गेंदबाजी से और बैटिंग से जाने जाते हैं और आज के मुकाबले के लिए हार्दिक पांड्या ने अक्षर पटेल को भी खिलाया है। नंबर 9 पर शार्दुल ठाकुर खेलते हुए नजर आएंगे। दोस्तों शार्दुल ठाकुर एक शानदार तरीके से बल्लेबाजी भी कर सकते हैं और कई सारा मैच में उन्होंने विकेट भी चटकाए और अच्छी तरीके से गेंदबाजी करते हैं। नंबर 10 पर मोहम्मद सिराज खेलते हुए नजर आएंगे। मोहम्मद सिराज एक शानदार बल्लेबाजी करने वाले खिलाड़ी है और अच्छी तरीके से गेंदबाजी भी करते हैं और कई सारे मैचों में उन्होंने विकेट भी चटकाए हैं। नंबर 11 पर जो खिलाड़ी है वो आईपीएल 2023 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाला खिलाड़ी है, जिसका नाम है मोहम्मद शमी। आईपीएल 2023 में सबसे ज्यादा विकेट दिए थे और ऑरेंज कैप भी उनके सर के ऊपर जड़ा था। तो दोस्तों ये मुकाबले के लिए ये थी भारतीय टीम की प्लेइंग 11। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि कौन सी टीम पहला वनडे मैच जीतने वाली है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दे। साथ ही इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले।